हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता यहां पर हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक बताया जहां पर 40 परसेंट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है तो जाके देखिए सीखिए आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा इसके अलावा इस वीडियो में हमने बात करी थी कि निफ्टी आई आप देखेंगे निफ्टी आई कि में बहुत ज्यादा यहां पर गिरावट हो चुकी है वैल्यूएशन की वजह से शेयर भागते ये बाद अच्छे खासे रिजल्ट होने के बावजूद यहां पर गिरते हुए नजर आए थे बट अगर आप यहां पर देखेंगे वैल्यूएशन का एक एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आया ओके ऑलरेडी यहां पर चीजें एडजस्ट हो गई है और एडजस्ट होने के बाद यहां पर एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई नजर आ सकती है मार्जिन पे ओके okay, इफेक्ट पड़ता रहता है कभी अच्छे आते रहते कभी गलत हमारी धारणा रहेगी इस चीज को याद रखिएगा तो हम बात करेंगे निफ्टी आई की और इसमें कुछ स्टॉक्स की मोस्टली स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे बट बात आपको उसमें से भी अपने बेस्ट स्टॉक पिक कर लीजिएगा मैं आपको बताऊंगा आप कि कौन से स्टॉक यहाँ पर अच्छे हैं ओके okay, कौन से स्टॉक पर आपको ऊपर चल के धोखा दे सकते दोबारा तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल है आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस से मिलती रहे और आप यहाँ पर चीजों को सीख सके और सीख के यहाँ पर से कमा सके। तो आइए तो पर टाइम पहले एक वीडियो थी एक पर्टिकुलर शख्स की किस तरीके से थोड़े से पैसों से दस करोड़ की संपत्ति यहाँ पर एड ऑन कर ली थी बहुत टाइम पहले की बात है अमेरिका के ट्रेडर हुए देते हैं इन्वेस्टर तो नहीं कहूंगा वो एक डांसर था और डांसर ने इस तरीके के यहाँ पर पैसे कमाए थे तो उसे पढ़ लीजिएगा उसमें ऐसा आप बताया रखा है उसमें रेंज कि रेंज से निकलने पर वो यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो जो इस रेंज की वो बात कर रहे हैं ना वो रेंज ये है जो यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है ये सारी की सारी वो रेंज है जैसी रेंज से निकलते हैं इन्वेस्टमेंट की जाती है और इन्वेस्टमेंट करने पर यहाँ पर पैसा बनते हुए नजर आते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी आई की तो निफ्टी आई में यहाँ पर देखिए इस रेंज से भी बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखेंगे इस चीज को याद रखिए लगभग वन थर्ड यहाँ पर इंडेक्स पूरा का पूरा, पूरा क्रैश होता हुआ दिखाई, दिखाई दिया है न, 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 निफ्टी का आई तो इस तरीके से यहाँ पर चीजों को हमें समझना होगा समझ के यहाँ पर काम करेंगे तो पैसा बनेगा और ज्यादा गिरावट अच्छे रिजल्ट ज्यादा गिरावट और मतलब एक अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक करके शेयर की तो देखिए वैल्यूएशन की वजह से चीजें नीचे आई थी तो वैल्यूएशन की वजह से ही शायद चीजें ऊपर भी जाएंगी तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट की ओके जिसे हम बी सॉफ्ट के नाम से भी जानते हैं ओके आप सभी जानते हैं है, तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीई कितना चल रहा है इक्कीस का और अभी इंडस्ट्री का पी क्या है थर्टी तो कहीं ना कहीं अब हो गया सस्ता आर ओ सी आर ओ ही बेहतरीन है डेट फ्री कंपनी और यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है और कब यहाँ पर मिड कैप और किस तरीके से भागेगी आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और किस तरीके से यहाँ पर दो हजार दो उन्नीस पैसे का स्टॉक्स हुआ करता था मल्टी बैगर रिटर्न दिए इस पर्टिकुलर साल में भी और यहाँ पर शेयर अब भी यहाँ पर एडजस्ट होके देखिए इस तरीके की गिरावट पहले भी हुई है और जब जब इस तरह की गिरावट हुई है कंसोलिडेशन के बाद दोबारा शेयर भागा है तो यहाँ पर अगर आपका नजरिया है थोड़ा सा बड़ा तो इस शेयर की तरफ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पर करेक्ट हो गया शेयर यहाँ पर पांच रुपए से ओके इस शेयर को मैं आपको वन, वन फिफ्टी रुपीज से दिलाता आया हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट गिरावट में एक रेंज थी इस रेंज को यहाँ पर तोड़ के निकला है स्टिल अगर चीजें यहाँ पर बिगड़ी तो यहाँ पर तीन सौ रुपए तक के यहाँ पर टारगेट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे इधर तक शेयर आ सकता है बट बायोन डिप्स की रणनीति आप आइएगा इस रेंज में अभी ये शेयर फंसा हुआ है इस रेंज से जिस दिन बाहर निकल जाएगा तो याद रखिए इस रेंज और इस रेंज से बाहर निकला तो शेयर सीधे पांच सौ रुपए तक जाएगा तो यहाँ पर

महंगा है बट कंपनी बार बार अपने रिजल्ट से चौंकाती है इस चीज को याद रखिए लगातार यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है आर ओ सी आर ओई बेहतरीन है तो ऐसे शेयर में यहाँ पर जो पी -E रेशो होता है वो हमेशा ज्यादा होता ही है तो इस चीज को याद रखिए बट स्टिल पी -E उसी के आसपास है थोड़ा सा ज्यादा है बट इसी के आसपास है शेयर यहाँ पर देखिए गिरावट हुई गिरावट में सपोर्ट कहाँ लिया देखिए इससे पहले भी यहाँ पर एक यहाँ पर सपोर्ट लिया था यही सपोर्ट लिया सपोर्ट के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर सपोर्ट के बाद नजर आ रही है चीजें एक है इसने हैमर बनाया यहाँ पर इसे यहाँ पर डोजी डोजी बनाई को क्रॉस किया तो ये रेंज ओके पांच सौ आठ को क्रॉस करके जब ऊपर निकलेगा ना तब इसमें एक रैली होती नजर आएगी तब तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है जब चीजें भागेगी तो अच्छा रिटर्न इसमें भी मिलता हुआ नजर आएगा तो इस शेयर की तरफ भी यहाँ पर आपको क्या करना है के पी आई टी बायस की रणनीति अपनाइए अच्छा खासा पैसा यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आएगा इसके अलावा बात करेंगे टाटा इलेक्सी की अगेन इसका ज्यादा है लगभग थ्री टाइम्स यहाँ पर पी से, से चल रहा है बुक वैल्यू से तो काफी ऊपर चल रहा है ये शेयर बट बार बार अगेन यहाँ पर रिजल्ट से ये चौका देता है ओके यहाँ पर मार्जिन लगभग ईयरली बेसिस पे सही आए और अगले क्वार्टर के रिजल्ट शायद और बेहतरीन आए और जो और कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है एफ ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप यहाँ पर ये शेयर जब भी यहाँ पर नीचे आए इसकी तरफ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं बट एक सिलसिला शायद यहाँ पर शुरू शुरू हो गया है

अब ऊपर जाने के लिए इसे काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इसे लगभग नौ का लेवल यहाँ पर निकालना पड़ेगा तो ऊपर के लेवल पर खरीदने की कोशिश ना करे यहाँ पर भी खरीदने की कोशिश ना करे जब तक इस लेवल को नहीं निकालता तब तक यहाँ पर खरीदने की कोशिश ना करे और ऐसे भी नहीं कि इस लेवल को यहाँ पर निकाला ए, ओके दस हजार गया आपने खरीद लिया हो सकता है कि ऊपर के लेवल पर ले जाके आपको फंसा दे तो इस चीज को भी यहाँ पर समझना है सीखना है और उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना है तो टाटा गलेक्सी दूसरा स्टॉक है बट बायो शॉर्ट डिप्स का रणनीति रहेगी इसमें भी और लगभग ये शेयर आने वाले टाइम में 5000 हजार पे भी देखा जा सकता है और यहाँ पर स्प्लिट हो गया तो और कम हो सकता है इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए टाटा इलेक्सी अब बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी की जिसका नाम है एक इस कंपनी को नजरअंदाज करना मतलब बेबकूफी स्टॉक पी फिफ्ट लगभग आधा ही इंडस्ट्री का थर्टी है डेट फ्री कंपनी है तैतीस और छब्बीस का यहाँ पर आरो सी लगभग स्मॉल कैप कंपनी है बट रिजल्ट देखेंगे हर एक कंपनी को यहाँ पर पीछे छोड़ती नजर आती है थर्टी वन परसेंट का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है कंपनी यहाँ पर लगातार परफॉर्मेंस यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है लगातार यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ओके नेट प्रॉफिट पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा होता नजर आ रहा है एक दो क्वार्टर में यहाँ पर यह साइड बिज चल रहा है ओके okay, बट जिस दिन यहाँ पर ये भागना शुरू किया याद रखिए एक बैगर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे डी आई आई एफ आई आई प्रमोटर्स पब्लिक ओके सब यहाँ पर नजर आते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके चार्ट की तो ई e क्लक्स पे यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान देना है ये शेयर काफी बेहतरीन शेयर है और अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा अगेन बार बार इसी लेवल को टच करके रिस्पेक्ट देके ऊपर जाता हुआ नजर आता है यहाँ पर भी देखेंगे एक हैमर टाइप में बनाता हुआ नजर आया है अब यहाँ पर जब चीजें ऊपर जाएंगी तो इसमें हायर लोज का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है हाँ बनाया, लो बनाया इसने लो बनाया ओके हायर लोज बनाया तो शायद चीजें यहाँ पर इस तरीके से बेकार या फिर एक कंसोलिडेशन फेज या और एक रेंज में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है इस रेंज से इसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है अगर बात करू इस रेंज से यहाँ पर बाहर निकला चौबीस तो एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो इसे यहाँ पर उनतीस तक और इस असली तेजी के लिए इसे तीन के ऊपर चलना बहुत जरूरी है नीचे के सपोर्ट की बात करें एक ये सपोर्ट इसके अलावा नीचे की बात करें तो सत्रह का एक सपोर्ट यहाँ पर भी नजर आता है तो ये सपोर्ट है ऊपर की बात करें ऊपर यहाँ पर नजर आता है और जब तक तक ये इसके इसके ऊपर है तब चीजें ठीक बट नीचे तो फिर पर इस बॉक्स में आता हुआ ये दिखाई दे सकता है एक रक्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं बायोन डिप्स की यहाँ पर रणनीति रहेगी इसके अलावा हम बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम परसिस्टेंट सिस्टम अनदर बेहतरीन शेयर पी जरूर महंगा है बट जब शेयर डेट फ्री हो अच्छे खासे रिटर्न दे रहा हो ओके okay, तो पी ही हमेशा महंगे होते ही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस शेयर के रिजल्ट भी अच्छे आए थे मार्जिन भी अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी दे रही है तो परसिस्टेंस यहाँ पर देखिए एफ ने भी यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है ओके okay, पब्लिक के पास है बल्कि शेयर गए आए नहीं है इस चीज को याद रखिएगा तो परसिस्टेंस सिस्टम एक और बेहतरीन शेयर है, तरफ आप सकते है ये शेयर सारे के सारे मैं से बता रहा हूँ जो कि पर अच्छा खासा कर सकते पव, आ, अब इसकी बात करें तो इसमें तोड़ के नीचे की तरफ निकला है बट दोबारा उसी लेवल को यहाँ पर इसने रेस्पेक्ट दिया है यहाँ पर देखिए इस ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है इसे क्रॉस करेगा ये दो लेवल को यहाँ पर निकाल दे तो शायद एक अच्छी खासी तेजी हो सकती है बट शायद अगर गिरावट हुई तो यहाँ पर शेयर और थोड़ा सा नीचे आके वैल्यूएशन के रीजन से तो आपको और सस्ते में यहाँ पर ये तीन हजार के लेवल या बत्तीस सौ के आसपास के लेवल को मिल सकता है जो कि ये अभी आया भी था यहाँ पर बत्तीस सौ बहत्तर के लेवल पे आया भी था ये शेयर तो ये इसका ये भी एक बेहतरीन सपोर्ट है अगर इस लेवल पे मिले तो बाई डिप्स की भी रणनीति यहाँ पर भी रहती हुई नजर आ सकती है काफी अच्छा शेयर है इसकी तरफ क्या करना है और इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है लॉन्ग टर्म में पैसे इसी में बनते हुए नजर आएंगे अब बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक की जिसका नाम है मास्टेक ओके मास्टेक यहाँ पर एक अच्छी कंपनी है इसे बेकार कंपनी में बिल्कुल भी काउंट मत करिए अच्छे खासे यहाँ पर सेल्स अच्छी खासी आ रही है मार्जिन भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है जैसे बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी का पी 25 का इंडस्ट्री का 30 का है कहीं कही ना कहीं सस्ता है स्मॉल कैप कंपनी डेट फ्री कंपनी तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाना ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में वो काफी बेहतर हो सकता है तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए मास्टर अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट पे चल रहा है इस सपोर्ट से ऊपर निकला तो अच्छी खासी रैली और यहाँ से गिरा तो शेयर यहाँ पर थोड़ा सा और बिगड़ सकता है और यहाँ पर 2000 की रेंज में ये शेयर आ सकता है तो आपको इसी जब तक यहाँ पर इस रेंज को क्रॉस ना करे ओके तो यहाँ पर आप बैंक बिल्कुल मत सोचिए इसके अलावा इन्फेसिस इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन शेयर है बट इसने एक रेंज होती है ना उस रेंज को यहाँ पर तोड़ के ओके यहाँ पर एक चैनल होता है उस चैनल को पर तोड़ के अब ऊपर की तरफ आ रहा है तो शायद एक अच्छी खासी रैली हो सकती है बट रैली के लिए इस लेवल को अट्ठाइस के लेवल को निकालना बहुत जरूरी है और उससे पहले भी यहाँ पर इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है तो एम्फेसिस की तरफ भी आपको ध्यान देना है इसके अलावा मेरा फेवरेट पर्सनली मेरा फेवरेट है जिसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लगभग बीस साल के हॉराइजन के लिए मैंने यहाँ पर रख रखा है जो डिजिटल

मैनेजमेंट काफी इनका बेहतरीन है छब्बीस का देखें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ईयरली बेसिस पे ठीक है और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर बात करें अच्छा खासा है और अगली क्वार्टर में अगर यहाँ पर पच्चीस छब्बीस का मार्जिन होता है शेयर दोबारा यहाँ पर गोली ओलेगा इन्वेस्टर्स की बात करें एफ भी है डी भी है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास भी यहाँ पर शेयर नजर आते हैं तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है एक रेंज में फंसा हुआ है और ये जो सपोर्ट है ये सबसे बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है यहाँ से गिरा तो सीधे सात सौ इक्कीस के डायरेक्ट भी मार जाएगा बट मुझे लगता नहीं है यहाँ से गिरेगा यहाँ से थोड़ा सा शेयर को ऊपर भागना होगा हजार के लेवल तक आना होगा तो इस शेयर की तरफ भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड एक बेहतरीन शेयर यहाँ पर नजर आता है इसके अलावा लार्ज कैप तो यहाँ पर है ही है जो दिग्गज शेयर है उन्हें तो कभी भी आप अगर थोड़े थोड़े रिटर्न चाहिए तो यहाँ पर आप बंद आग बंद करके TCS में इन्वेस्ट कर लीजिए इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर लीजिए ओके आप इन्वेस्ट कर लीजिए विप्रो में और आप चाहे तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं टेक महिंद्रा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एस टेक्नोलॉजी में ये कंपनी आपको धोखा तो नहीं देंगी बट अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर एक बेहतरीन रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी गलत रहेगी करेक्ट हो चुके हैं ऑब्वियसली बात है करेक्ट हो चुके हैं जब भागेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न यहां तक तो समझिए यहाँ तक तो रिटर्न मिल रही है बट अच्छा रिटर्न आपको अगर चाहिए तो आपके रिटर्न इन्हीं कंपनी में बनेंगे जो मैंने आपको बताई है ये गिरे हैं इसी तरीके से गिरते हैं जब भागते हैं तो इसी तरीके से भागते हैं और ये जो नई कंपनीज हैं ये ही कंपनी आपका पैसा बना के देगी भी इसके अलावा एक और कंपनी का और बता देता हूँ जो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है और अच्छा खासा पैसे यहाँ पर बन सकते हैं एक आध दो तीन चार क्वार्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ हाँ और नीचे आता है गिर जाता है ओके एक क्वार्टर दो क्वार्टर के अंदर अंदर कभी भी तो यहाँ पर इसे अब बाइक के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि इसका भी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है आर सिस्टम इंटरनेशनल इसके अलावा एक शेयर और बताऊंगा जिसमें अभी कोटक महिंद्रा ने भी यहाँ पर अगर बात करें इन्वेस्ट किया है यहाँ पर एक बार आ जाते हैं तो आर सिस्टम का पहले सबसे पहले मैं आपको पी रेशियो बता देता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे 17 का पी है काफी यहाँ पर सस्ता मिल रहा है और तो कंपनी के रिजल्ट देखेंगे ना कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन है बारह का है बट दो तीन मैं जैसे कि मैंने कहा दो तीन क्वार्टर का यहाँ पर थोड़ा सा आ, गड़बड़ी मामला चल सकता है बट कंपनी जब भागेगी तो अच्छा रिटर्न देगी इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सागर सॉफ्ट की सागर सॉफ्ट एक बेहतरीन शेयर नजर आता है यहां पर देखिए के पी पे चल रहा है काफी सस्ता है और कंपनी के रिजल्ट देखेंगे ना ईयरली इली पर तो यहाँ पर कंसोलिडेट रिजल्ट देखेंगे तो अच्छे खासे स्टैंडर रिजल्ट थोड़े से यहाँ पर डल होते हुए नजर आया तो बस शेयर यहाँ पर गिरा नहीं है शेयर वहीं पर ही टिका हुआ है और यहाँ पर देखेंगे पब्लिक में तो पब्लिक में यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा सिक्योरिटीज इन्होंने अभी एंट्री लिया वन पॉइंट फाइव थ्री परसेंट के यहाँ पर शेयर लेते हुए नजर आए हैं तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है डेट फ्री कंपनी है ओके और एक रेंज में फंसी हुई है एक सपोर्ट की बात करें बेहतरीन सपोर्ट है इसका, ओके इस सपोर्ट को अगर तोड़ा तो शेयर बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा जो कि रुपए के आसपास और 75 के आसपास यहां पर आ सकता है गिरा तो बट अगर यहां से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके भागना शुरू किया तो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम ये 224 का लेवल करेगा और अच्छी तेजी के लिए 300 का लेवल यहां पर क्रॉस करना जरूरी है तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा वॉच लिस्ट में रखिएगा और ये से शेयर अगर 107 और यहाँ पर 76 के जो मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर गिरावट होती है और इस लेवल पे आते हैं तो बाइंग की सोचिएगा और थोड़े से टाइम के लिए रखिएगा क्यों क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से सब तरीके से यहाँ पर शेयर अच्छा नजर आता है शेयर ऑलरेडी हाफ हो गया है और और थोड़ा सा हाफ हो जाए तो और मजे आ जाएंगे तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है बट बेहतरीन शेयर है इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है और जितना हो सके सपोर्ट करना है हमारे चैनल को ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच कॉड ब्लस